हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर आपका पैन कार्ड कहीं पे खो गया है या फिर कहीं से चोरी हो गया है, तो आप अपना पैन कार्ड कैसे वापस से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने घर पे वापस से मंगा सकते हैं। आपके पास सिर्फ आपका पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। तो सिंपली सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, वहाँ पर सर्च करना है पैन कार्ड रीप्रिंट। तो जैसे पैन कार्ड रीप्रिंट सर्च करके यहाँ पे आपको दो वेबसाइट मिलेगा। सबसे पहली वेबसाइट होती है NSDL एंड दूसरा होता है UTI। तो इंडिया में लगभग यही दो कंपनी है जो पैन कार्ड बनाती हैं। तो अगर आपका NSDL के थ्रू है तो आप NSDL से प्रिंट करा सकते हैं, अगर UTI का है तो UTI के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। तो सिंपली आज हम बात करने वाले हैं NSDL का और UTI का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप NSDL पे क्लिक करेंगे, सबसे पहली वाली वेबसाइट पर जो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो जिसमें आपका पैन कार्ड नंबर प्लस उसके नीचे आपका आधार नंबर प्लस आपका जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है और ईयर, सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ का डेट नहीं डालना, मंथ और ईयर, एंड इसके बाद आपको लास्ट में एक कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। तो हम फटाफट अपना पैन कार्ड नंबर आधार कार्ड नंबर डाल के एंड आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो सिंपली अपना डिटेल्स डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड डालने के लिए बोला जाएगा। तो आपने सिंपली से कैप्चा कोड फिलअप करके एंड सबमिट करना रहेगा। तो फिर आपको फटाफट हम कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर रहे हैं। जैसे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका पैन कार्ड का सब डिटेल्स शो कर जाएगा, जिसमें आपका पैन कार्ड नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्लस आपका रजिस्टर्ड जीमेल आईडी, आपका एड्रेस क्या रजिस्टर्ड है जो आपने फॉर्म में सबमिट किया था, एंड यहाँ पे आपका सब बेसिक डिटेल्स शो करेगा। एंड आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ईमेल OTP, मोबाइल OTP एंड बोथ, मतलब आप दोनों OTP के बेस पे मंगा सकते हो। तो अभी देख सकते हो जैसे मेरा पेज अभी रन कर रहा है, पूरी तरह ओपन नहीं हुआ, तो अभी ये सब डिसेबल है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और लगभग 30 या 15 सेकंड का टाइम लगता है, उसके बाद पेज ओपन हो जाता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं जो कि मेरी वेबसाइट पूरी तरह ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं टिक मार्क करने का ऑप्शन आ गया। अगर आपको ईमेल OTP चाहिए तो आप ईमेल पे सेलेक्ट कर लीजिए, अगर मोबाइल OTP चाहिए तो मोबाइल पे सेलेक्ट कर लीजिए, या तो आप बोथ करके यानी दोनों OTP के बेस पे कर सकते हैं। सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री का करना रहेगा एंड इसका जनरेट OTP। जैसे ही जनरेट OTP क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा। तो मेरे OTP आ चुके, मैं फटाफट OTP फिलअप कर ले रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा OTP आ गया, मैं यहाँ पे OTP डाल के आपको फिर से वैलिडेट OTP पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं जैसे वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक न्यू पेज आएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा लगभग 10 या 15 सेकंड, एंड उसके बाद आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप पेमेंट कीजिए। जैसे अगर आप 50 रुपीज़ में अगर पेमेंट करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, और अगर आप 8 रुपये प्लस 87 पैसे कुछ समथिंग रहेगा, आप अगर उतना पेमेंट करते हो तो आपको पैन कार्ड सिर्फ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप PDF में डाउनलोड करके रख सकते हो। तो आज हम दोनों मतलब डिलीवर भी करके देखने वाले हैं। तो सिंपली से आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ऑनलाइन पेमेंट, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे शो करेगा कि अगर आपको ई पैन कार्ड चाहिए जो ओनली आपको PDF में मेलेगा आपको मेल पे, तो वहाँ पे देख सकते हो 8 रुपये 25 पैसे समथिंग चार्ज कटेंगे। और आप पैन कार्ड भी फिजिकल मोड पे चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके घर पे डिलीवर होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में जो डिलीवरी चार्जेस है 50 रुपीज़ है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया लेंगे तो 9.59 समथिंग चार्ज कटेगा। तो आपको इस पे से दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना अगर आप अपने हिसाब से, अगर नहीं सेलेक्ट करते तो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे आई एग्री पर करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए। तो सिंपली जैसे आप प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिखा जाएगा कि आपका जो अमाउंट है 50 रुपये कटने वाला प्लस आपका ट्रांजैक्शन आईडी ये है, आपको पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट मेथड पे, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड UPI और बाकी अगर पेटीएम के थ्रू चाहें तो पेटीएम के थ्रू भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे करना है जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहो उस मेथड से आपको पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके सामने एक यहाँ पे इनवॉइस आ जाएगा, प्लस साथ ही साथ आप ई पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूरा प्रिंट में रसीद मिलेगा, आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप कौन सा पैन कार्ड रीप्रिंट कर रहे हैं, उसका एनोलमेज नंबर क्या है, प्लस आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो मोबाइल नंबर शो करेगा, एंड यहाँ पे आपका आपने कितना 50 रुपीज़ पेमेंट किया वो सब यहाँ पे आपका पूरा डिटेल शो करेगा। एंड इसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको एक वार्निंग नोटिस दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका पैन कार्ड विल बी डिस्पैच फॉर द कम्युनिकेशन एड्रेस प्रोवाइडेड इधर पैन अप्लीकेशन, यानी आपने जो पैन अप्लीकेशन में मतलब आप फॉर्म 49 में आपने जो एड्रेस डाला था वही एड्रेस पे आपका पैन कार्ड डिलीवर्ड होगा। तो सेम इसी मेथड से आप अपना पैन कार्ड, खोया हुआ पैन कार्ड या अगर कहीं चोरी हो गया है तो आप रीप्रिंट और प्लस ऑनलाइन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। तो गाइस आई होप वीडियो चलिए लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।